गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन के ब्रेक सिस्टम के बारे में कि ट्रेन का ब्रेक कैसे काम करता है। तो गाइस, अभी देख लिया आपने, अभी वीडियो में देखा होगा, अभी ब्रेक इसमें अप्लाई हो गया है। तो गाइस, क्या होता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है व्हील है और व्हील के ऊपर देखिए गाइस, ये ब्रेक शू लगा हुआ है। ये ब्रेक शू है और ये असेंबली है, ये ब्रेक शू को इंगेज और डिसइंगेज करने के लिए। तो क्या होता है गाइस कि ये जो पूरा आप असेंबली देख रहे हैं, ये पूरा असेंबली जो होता है, देखिए मैं आगे जूम करके आपको दिखाता हूं क्योंकि मैं क्रेन से लाइव दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं यहां पे ये प्रेशर की वजह से मूव करती है, जिसकी वजह से देखिए अभी ब्रेक क्या हो गया, रिलीज हो गया। गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये अभी ब्रेक रिलीज हो गया है, मतलब ब्रेक अभी नहीं लगा हुआ। देखिए 5 mm का इसमें गैप है। तो क्या होगा गाइस, अभी इसका प्रेशर रिलीज हो चुका है तो ब्रेक हट गया। जैसे ही इसमें प्रेशर बढ़ा जाएगा तो ये ब्रेक शू जो है इसमें ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये ब्रेक अप्लाई हो गया, तो देखिए ये ब्रेक अब अप्लाई हो गया है। तो गाइस, मैं इसका पूरा सिस्टम बताता हूँ। देखिए अभी फिर प्रेशर रिलीज हो रहा है तो ब्रेक हट जाएगा। तो गाइस देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं ये जो शू जो कनेक्टेड है ये रॉड से, जो ये लंबी रॉड है वो उधर वाले व्हील से कनेक्टेड है और इधर वाले व्हील से कनेक्टेड। ये पूरा रॉड जो है वो देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, इससे कनेक्ट होती है ऊपर के इस सिस्टम से। इस सिस्टम जो है ये काम करता है एयर के प्रेशर से। एयर का प्रेशर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये टैंक लगा हुआ है, ये जो है ना एयर का प्रेशर इसमें स्टोर होता है। जैसे ही प्रेशर राइज होगा, उस प्रेशर की वजह से, जैसे ही प्रेशर वो होगा, प्रेशर क्या करेगी इस, जैसे अभी देखिए ये ब्रेक शू को, मतलब कि पूरी जो रॉड है वो पुल कर जाएगी आउटसाइड ऑफ व्हील, जिसकी वजह से ब्रेक रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेक लगाना होगा, इस सिलेंडर से प्रेशर रिलीज किया जाएगा और जैसे ही रिलीज होगी और ये ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। तो गाइस, एक चीज आपके माइंड में और आती होगी कि जब हम गाइस चेन पुलिंग करते हैं, जब भी कोई चेन पुलिंग करता है तो उसमें क्या होता है कि जिस बॉगी में चेन पुलिंग किया जाता है, क्या उसी बॉगी की ब्रेक अप्लाई होती है सारी, मतलब कि जितने डब्बे हैं गाड़ी में सभी व्हील पे ब्रेक अप्लाई होता है? तो जी, देखिए क्या होता है कि जो एयर प्रेशर, मतलब एयर ब्रेक सिस्टम जो ट्रेन में लगा हुआ है, उस एयर ब्रेक सिस्टम में क्या होता है कि जो ये प्रेशर, देखिए ये जो है ना प्रेशर की लाइन है, एयर प्रेशर की लाइन है, तो ये एयर प्रेशर की जो लाइन होती है गाइस, ये कनेक्ट होती है सभी बॉगियों से, एक लाइन से कनेक्ट होती है। अगर एक भी जगह प्रेशर रिलीज होगा तो सभी बॉगियों की प्रेशर रिलीज हो जाएगी और जो ये ब्रेक शू है सभी गाड़ियों के व्हील के साथ इंगेज हो जाएगी और ब्रेक अप्लाई हो जाएगी पूरी ट्रेन में। तो गाइस, कुछ इस तरीके से ब्रेक अप्लाई होता है। और मैं कुछ आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये बेसिकली काम करता है और इससे ब्रेक अप्लाई होती है। तो गाइस, और देखिए यहां से ये प्रेशर का लाइन गया हुआ है यहां से, और ये टैंक जो है वो प्रेशर को इनफॉर्म प्रेशर मेंटेन करता है, ये टैंक करता है। तो गाइस, आज था ये ब्रेक सिस्टम के बारे में। मैं अभी ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए एक, मतलब कि अपलोड करूं, जिससे आप लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।